मुख्यमंत्री तो कोई भी आए बीजेपी का ही देखना चाहते हैं। पानी का जो मुद्दा है वो रांची में बहुत जगह बहुत एरियाज में पानी की कमी है, थोड़ा और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, लाइक एनी रेपिस्ट शुड नॉट बी स्पेयर्ड, डायरेक्ट फांसी पे लटकाना चाहिए, वैसा टाइप का रूल आना चाहिए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी मौजूद हूँ रांची के अरगोड़ा चौक पे, जहाँ लोगों से हम ये बात करेंगे कि अभी तीसरे चरण में चुनाव होने वाला है रांची में 12 दिसंबर को। क्या कुछ रांची की जनता देखती है, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है और किसको अपना जो यहाँ विधायक है और किसको नया विधायक देखना चाहती है। पहले जो विधायक थे वही अच्छे हैं। लोगों से जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। क्या नाम है भी आप? संतोष कुमार। संतोष जी, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो कोई भी आए बीजेपी का ही देखना चाहते हैं। बीजेपी का देखना चाहते हैं, क्यों? अभी यहाँ काम अच्छा चल रहा है। बीजेपी काम अच्छा कर रहा है? बीजेपी मतलब मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी अच्छा काम? हाँ, बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये भी समझना बड़ा मुश्किल है। क्या नाम है आपका? रोशन टप्पो। सॉरी, रोशन टप्पो। रोशन, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? बीजेपी को ही। बीजेपी को? बीजेपी मुख्यमंत्री थोड़ी ना होगा, बीजेपी पार्टी है। मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं? नॉलेज नहीं एक्चुअली। एक मिनट, ये भाई साहब कह रहे हैं कि नॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को। तो यानी कि पार्टी मुख्यमंत्री बनने वाली है इस बार, रांची की जनता का ये कहना है। क्या नाम है आपका? शंकर गुप्ता। शंकर जी, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बीजेपी को या कांग्रेस को? बीजेपी को। रघुवर दास। रघुवर दास को। ये कुछ वाजिब बात हुई क्योंकि पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनती। नहीं, पार्टी कैंडिडेट बनता। रघुवर दास जो है सो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छा काम किए हैं। अच्छा। और भी गरीब लोग के लिए बहुत सारा काम है। ठीक है। और कई लोगों का मानना है कि नए लोग आने चाहिए, हेमंत सोरेन को मौका देना चाहिए, आपको क्या लगता है? हेमंत सोरेन बन बैठे हुए हैं, देख चुके हैं। हेमंत सोरेन पहले भी थे मुख्यमंत्री और भी थे मुख्यमंत्री, सब मिली जुली सरकार थी उसमें। रघुवर दास के कोई 5 काम बता दीजिए। रघुवर दास की 5 काम वही गरीब लोग का अभी दे रहा आपका मकान, गरीबों का मकान दिया जा रहा है गांव घर में। अच्छा। ठीक, ठीक। और अच्छा घर दिया जा रहा है वो लोग के, आना 1 रुपया किलो चावल दिया जा रहा है, 1 रुपया किलो चावल। ठीक ना। और चीनी भी दिया जा रहा है, चीनी। और आप क्या कह रहे हैं? रोड अच्छा बन गया है झारखंड में, पूरा गांव देहात में बहुत अच्छा बना है रोड। झारखंड की राजनीति आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, उम्र के हिसाब से क्या लगता है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? देखिए, हम लोग रघुवर दास जी को तो चाह ही रहे थे, लेकिन इस बार बदलाव की आवश्यकता हमको समझ में आ रही है। क्यों लगता है? क्योंकि जो भी अभियान चलाया गया है इनके सरकार में, वो कहीं से भी पूरा फुलफिल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब पॉलिसी बनी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट, हाँ हाँ, सही से लागू नहीं किया गया और खाओ पकाओ की राजनीति हमेशा होती रही। क्या लगता है कि आपको कि ऐसा कौन सा चीज था कि इस बार रघुवर दास से ज्यादा आप उम्मीद किए हुए थे और नहीं हुआ? स्वच्छता एकदम नहीं हुआ, सड़क उड़क तो हुआ ही नहीं, एजुकेशन के मामले में भी फिसड्डी रहा। प्रशासन को कितना मतलब इस बार मुद्दा मानते हैं कि चुनाव में प्रशासन भी एक मुद्दा है कि प्रशासनिक तौर पे जो घटनाएं घट रही हैं वो भी एक मुद्दा बन सकता है इस बार चुनाव में? प्रशासन कितना बड़ा मुद्दा देख रहे हैं जिस तरह से बलात्कारी घटना हुई और भी सारी घटना होती है, तो क्या चुनावी इस अखाड़े में क्या ये जो प्रशासन एक मुद्दा है वो भी है क्या? वो तो हमको अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है वैसा। ठीक ना अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं हमें, अब तो आपको बैठ के बात कर लेंगे। बताया जाए इस बार मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री इस बार जो पहले से थे रघुवर दास जी। इसलिए कि वो यहाँ पर विकास का जो काम हुआ है ठीक ठाक हुआ है। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा काम हुआ है जिससे कि रघुवर दास वापस आ जाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, मेडिकल के क्षेत्र में हुआ, रोड के क्षेत्र में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हुआ, ये सब जो है उनके समय में अच्छा हुआ, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ। तो ये सब जो गरीबों लोग कह रहे हैं कि दूसरे को मौका मिलना चाहिए, देखिए मौका अलग बात हुआ,
मौका जिसको दीजिएगा वो अगला क्या करेगा। वो कहना चाहते हैं कि ये देखिए उससे बेहतर हो सकता था, आपका क्या कहना? नहीं, हो सकता है, लेकिन जिसने अभी तक बेहतर किया है तो उसको और बेहतर करने के लिए मौका तो उसी को देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? चलिए कोई बात ना है, हमारा ख्याल है मिथिलेश यादव। मिथिलेश जी, यहाँ कितने साल से रह रहे हैं आप? हमको 10 दिन हुआ है। 10 दिन हुआ यहाँ आए हुए? कोई बात नहीं, थोड़ी सेफ्टी फॉर गर्ल्स ऑफ कोर्स। और पानी का जो मुद्दा है वो रांची में बहुत जगह बहुत एरियाज़ में पानी की कमी है, जिसको मतलब अगर वो लोग ध्यान देते हैं तो उन लोगों को ज़रूर वोट मिलेगा आई गेस। सेफ्टी की बात क्या लगता है कि रांची में आप एक लड़की हैं, किस तरह की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, किस तरह के चाक चौबंद लगाने चाहिए कि जिससे कि अभी जो बलात्कार की घटना सामने आई वैसी घटनाएं ना हो? लड़की है तो हम लोग को ट्यूशन्स रोज़ निकलना रहता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात 8 बज जाता है, 8 से 8:30 और 9 बज जाता है, तो जो मेन क्राइम वाले एरिया है वो शाम में ही होता है, तो हमको लगता है कि उस टाइम में सिक्योरिटी का ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर 8-9 स्ट्रिक्ट रूल 8-9-10 इन बीच में शहर में चारों तरफ होना चाहिए, जिसके कारण थोड़ा सिक्योर राइट टू अटैक इफ दिस, अगर ये कुछ ऐसा हो तो कुछ भी अगर उस जिस जो हम लोग के साथ जो कुछ कर रहा है उसको अगर हम लोग कुछ भी हर्ट करें तो वी शुड कुछ वैसे भी है सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर, हाँ तो उस पे कोई चार्ज कोई नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है गर्ल्स के प्रोटेक्शन के लिए कराटे कैंप्स वगैरह खोलना चाहिए, जिससे वो सेल्फ का प्रोटेक्शन कर सके थ्रू ऑल दीज कराटेज एंड ऑल, क्योंकि आजकल अगर ये करेंगे तो ये लोग नेशनल लेवल्स में भी जाएगा। तो इसमें आई थिंक थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, लाइक एनी रेपिस्ट शुड नॉट बी स्पेयर्ड, डायरेक्ट फांसी पे लटकाना चाहिए, वैसा टाइप का रूल आना चाहिए, तभी ये सब बन होगा। कई लोग कह रहे हैं कि कानून तो सही है लेकिन सही से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। कानून सही, आई डोंट थिंक सो, जब तक ये इम्प्लीमेंट होगा किसी को कोई डर ही नहीं है, क्योंकि वो कानून कभी इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, बस बुक्स पे लिखा रहता है, कभी इम्प्लीमेंट होता नहीं है। इस बार का मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? रघुवर दास जी ठीक है, रघुवर दास जी रहेंगे। रघुवर दास जी ठीक है। क्या लगता है कि रघुवर दास जी ने कौन कौन सा काम अच्छा किया? सब तरफ रोड नाली रास्ता सब बनवा दिए हैं, सब रोड बनवा दिए। शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के भी ठीक है सब चीज़, किसान उसान भी सब खुश है, सबका खाता में पैसा वैसा आ रहा है। और यहाँ के हम लोग के विधायक जी हैं नवीन जायसवाल, वही फिर से रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।